रिश्वत दे रही है कि सही? सर देखिए एक कहावत है, किसानी बिल्ली खंबा नोचे। पूरे अजमेर शहर में अनुसाई की लहर है और ये एबीपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस जीत से बौखला गए हैं। प्राचार्य साहब पे गलत आरोप लगा रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व उनको उनकी छवि खराब करने के लिए तुले हुए हैं और ये प्राचार्य साहब एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और प्राचार्य नहीं है, यहाँ पे लेक्चरर भी रहे हैं। और हम आज तमाम यूथ कांग्रेस और अनुसाई उनके सम्मान में यहाँ खड़े हैं। अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगता है या उन पर कोई अगर उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो यूथ कांग्रेस और अनुसाई मिलकर के प्राचार्य साहब साथ खड़े हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार 5 साल रही, यहाँ के लेक्चरारों ने खुलकर के एजेंट का काम किया बीजेपी का। मेरे से पूछो, इनके लेक्चरारों ने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने एबीपी का प्रचार किया। एबीपी के टिकट कहाँ से बांटते थे? इनके संघ के लेक्चरार यहाँ से टिकट बांटते थे। तो वो लोग कहाँ हैं जो आज वहाँ जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ के आके उनका जवाब दो, मुझसे आके जवाब लो। अगर कोई अगर पदाधिकारी है तो मुझसे जवाब पूछे। और ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ संघ के लेक्चरारों के कहने पर कर रहे हैं, अरे वो प्राचार्य साहब निष्पक्ष चुनाव कराने वाले बैठे हैं यहाँ पे और उनकी छवि सब जानते हैं यहाँ पर। गार्ड भी एनएसयू के साहब, देखिए एनएसयू के होंगे बेचारे, चुनाव लड़े होंगे, लेकिन आज वो आज मानिए पहले हम उनसे इंसान मानेंगे, वर्कर मानेंगे। आज वो अपने घर की रोजी रोटी के लिए अगर काम कर रहा है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो उसमें कोई गलत क्या है? आप अपना घर का आदमी लगा दो, अगर किसी को लगाना है तो लगाइए ना। कौन सा उन्होंने अपने प्रिंसिपल रूम में बैठा रखा है उनको? गार्ड की नौकरी कर रहे हैं तो बेचारे बाहर बैठ के गार्ड में खड़ोगे, आई कार्ड चेक कर रहे हैं और इनमें कौन सा वो कर रहे हैं? तो ये बौखला गए हैं एबीपी के लोग। और मैं तमाम छात्र छात्रा जो कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि अरे ये देखिए इनके तो इनकी सोच देखिए। वो बलदेव जी हमारे एसआई साहब, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका घर का रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा है। अरे क्या इनकी कहाँ गई, इनकी सोच कहाँ जा रही है आप ये बताइए? अरे हर आदमी बिका हुआ है क्या? तुम्हारे नेता आकर के चुनाव में बाहर खड़े होकर प्रचार करते हैं, तुम्हारे विधायक आकर के चुनाव में प्रचार करते हैं। कैसा कर रही है? अरे बौखला गई है साहब। बौखलाने का मतलब है कि इनको अपनी हार सोते दिख रही है। आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी में इनका कैंडिडेट नहीं था, एनएसआई को कैंडिडेट को लास्ट टाइम उठा करके इन्होंने टिकट दिया। यहाँ इनकी हालत ख़राब है, जीसीए में, डीवी कॉलेज में इनकी हालत ख़राब है। तो बौखला चुके हैं और पूरी तरह से एनएसआई जीत रही है। और ये कुछ असामाजिक तत्व मिलकर के जो ये कर रहे हैं प्राचार्य साहब को बदनाम करने की है, ये हम सहन नहीं करेंगे। यूथ कांग्रेस और एनएसआई मिलकर के इनका सामना करेंगे। और बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हम प्राचार्य के साथ मैदान में साथ के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और अगर प्राचार्य साहब के साथ कोई घटना गलत होती है तो इसका विरोध करने का भी तैयार है। सर मैं बता रहा हूँ ना, तो इनके पास बचा क्या है? पुतले तो जलाएंगे और क्या जलाएंगे? अरे पहले पूरी जानकारी तो लो किसी चीज़ की, और अंदर कौन से व्यक्ति घूम रहे हैं, कौन से क्या घूम रहे हैं, युवा कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं, कौन घूम रहा है? अरे कोई काम करने के लिए नहीं जाएगा कि आपका कोई अगर पदाधिकारी, कोई सीनियर पदाधिकारी किसी काम के लिए जाएगा तो कौन रोक रहा है, बताओ ना उन्हें? सुनील आरा, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। विगत जिस प्रकार का माहौल सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का बना है, वहां जिस प्रकार छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे, उस छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया को जिस प्रकार पक्षपातपूर्ण वहां के प्रिंसिपल द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, वहां के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ा जा रहा है, उनके द्वारा जिस प्रकार पक्षपात करते हुए एनएसवाई के जो पदाधिकारी हैं, एनएसवाई के पैनल पे जो लड़े हैं, उनको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नियुक्ति देकर केवल मात्र एनएसवाई के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करवाया जा रहा है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनके आईडी प्रूफ आज दिन तक उन्होंने नहीं दिए, ऐसे 3000 आईडी प्रूफ उन्होंने अपने पास में दबा करके रख रखे हैं। हमारे द्वारा पिछले 4 दिन से विद्यार्थी परिषद द्वारा जब मांग की जा रही है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वो आईडी प्रूफ सौंपे जाए, तो उनके द्वारा कल एक विज्ञप्ति जारी करके इतनी सी कर ली जाती है कि आज शाम तक आईडी प्रूफ दिया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट बिना आईडी प्रूफ वोटिंग नहीं कर सकता। उन मतदाताओं को, उन स्टूडेंट्स को हैरान परेशान करने के लिए और उन आईडी प्रूफ के जरिए फर्जी मतदान कराने का षड्यंत्र राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रचा जा रहा है। जिस प्रकार उनके द्वारा 4 साल पहले भी इस प्रकार का घटनाक्रम किया गया था, एक एलिजिबल कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया था, उसके कारण से खूब हंगामा हुआ। हम विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता और गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र नेता जो कभी न कभी उस कॉलेज से जुड़े रहे हैं, वहाँ पदाधिकारी रहे हैं,
वहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनकर आकर आए हैं। उन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, गवर्नर के नाम ज्ञापन दिया है जिलाधीश महोदय को कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाए और उन आईडी प्रूफ को जब्त किया जाए जिन कॉलेज लेक्चरर्स को कॉलेज से हटा करके बाहर भेज दिया है, उनको बुलाया जाए और प्रशासन वहां की चुनाव व्यवस्था अपने हाथ में ले जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पुनर्गठन हो सके, वहां पर चुनाव हो सके, निष्पक्ष चुनाव हो सके, पारदर्शी चुनाव हो सके, ये हमने मांग की है। नहीं तो अगर इस प्रकार उनका भेदभावपूर्ण रवैया रहा, एक पार्टी के एजेंट के रूप में जिस प्रकार कांग्रेस के उच्च शिक्षा मंत्री एक संदेश दे रहे हैं, उन्होंने जो एक ट्वीट किया फेसबुक पे स्टेटस डाला शिक्षा मंत्री रहते हुए कि एनएसयूआई को चिताए, वो कहीं ना कहीं वो पारदर्शिता खत्म करता है और उसी का परिणाम है कि यहाँ का प्रिंसिपल एमएल अग्रवाल वो भी कांग्रेस के एजेंट के रूप में एनएसयूआई के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और चुनाव को निष्पक्षपातपूर्ण करके प्रभावित कर रहा है। देखो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एबीपी संगठन बौखला गई है, इनके पास नॉमिनेशन लास्ट तक इनके पास कैंडिडेट नहीं था, इन्होंने मजबूरन इनके 21 देश को चुनाव लड़ाना पड़ा, महासचिव पे इनके पास कैंडिडेट नहीं था, लड़की को जबरन पकड़ के उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, खड़ा किया है, जिसको कॉलेज में कोई लड़का तक नहीं जानता है ना महाविद्यालय में जानता है। जिस टाइम बीजेपी की सरकार थी उसी टाइम भी एनएसयूआई जीती आ रही है इस महाविद्यालय में, और जो ये प्राचार्य पे झूठे आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है, और एनएसयूआई पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी भारी मतों से एनएसयूआई विजयी होगी इस महाविद्यालय के अंदर। ये सारे आरोप गलत है, अगर हमारे किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हम प्राचार्य के पास ही जाएंगे, चाहे एडमिशन संबंधी हो चाहे विद्यार्थी के संबंधी हो, तो प्राचार्य से हम मदद मांगेंगे या लेक्चरर से मदद मांगेंगे, तो इसमें ये सारे आरोप झूठे हैं। और ये गार्ड जो प्राचार्य जी ने लगाए हैं, ये बोल रहे हैं कि गार्ड इनके मिले में, क्या किसी गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती क्या महाविद्यालय के अंदर, ये कहाँ तक ये बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं, बिल्कुल सारे आरोप निराधार हैं। गार्ड भी एनी से है कि बताया जा रहे हो? नहीं नहीं, गरीब अगर किसी दूसरे आदमी को अगर ये नौकरी लगा देंगे तो भी यही कहेंगे कि ये इन्हीं का आदमी है, सरकार कांग्रेस की है तो इसमें हम तो क्या कर सकते हैं, बीजेपी की सरकार तब भी एनएसयूआई जीती थी और इस बार भी एनएसयूआई भारी मतों से पूरा पैनल एनएसयूआई का ले रहेगा महाविद्यालय के अंदर। नवीन सोनी, अजमेर, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष।